उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा करहकोल के ग्रामीणों का करीब 500 बीघा जमीन स्थानीय दबंग माफियाओं द्वारा सर्वे, लेखपाल व कानूनगों के मिलीभगत से भू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अपने नाम कराकर जबरन कब्जा करने का मामला संज्ञान में आते ही करहकोल गांव के सैकड़ों ग्रामीण पूर्व प्रधान अखंड सिंह के नेतृत्व में रुद्रपुर तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर हेराफेरी करने वाले लेखपाल व कानूनगों को निलंबित कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन पर उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को दिया गया। कानगो लेखपाल सस्पेंड हो, कानगो लेखपाल सस्पेंड हो, हरजीवाड़ा नहीं चलेगा, कानगो लेखपाल सस्पेंड हो, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, हरजीवाड़ा नहीं चलेगा, हरजीवाड़ा। क्यों आप लोग तहसील पर धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? हम लोग कुछ भूमाफियाओं द्वारा हम लोगों की ग्राम सभा की जमीन, किसानों की जमीन, जो कुछ भूमाफिया काफ़ी दिनों से तहसील के लेखपाल व कानगो व अन्य अधिकारियों से मिलजुल कर कूटनिश्चित ढंग से फर्जी तरीके से अपने नाम करवा लिए थे, जिस पर हम लोग 2014 से अनवरत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो हम लोगों की आस जगी और कार्रवाई भी हुई। भूमाफियाओं का नाम शासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करते हुए निरस्त करवाया गया, जिस पर पुनः सीमांकन कराकर कब्जा दिलाने के लिए शासन ने आदेश किया, जिस पर यहाँ के तहसील के सर्वे विभाग के कानगो लेखपाल तहसीलदार कुटरिचित ढंग से फर्जी कुछ लोगों का दस्तखत बनाकर और शासन को रिपोर्ट भेज दिए कि पैमाइश करा दी गई और कब्जा ग्रामवासियों को दिला दिया गया। लेकिन काफ़ी हमारे ग्रामवासी, हम लोग आज इसीलिए तहसील पर आए हैं कि जो फर्जी तरीके से शासन को रिपोर्ट भेजी गई है उसकी जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो, जिसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा न हो सके। कितनी जमीन है भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की? 500 बीघा जमीन है जो काफी समय से लोग अपने कब्जे में लेकर जो क्या। न्यूज के लिए देवरिया से डॉक्टर केशव नंद सिंह की रिपोर्ट।